हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन ऑफ प्रोग्रामिंग मेड इजी विद एआई एंड विजुअलाइजेशन। जैसा आप सबको पता है कि इस सीरीज में हम एआई के लेटेस्ट टूल्स की हेल्प से और विजुअलाइजेशन टूल्स की हेल्प से अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं, उनके फाउंडेशंस को स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में। हमने देखा कि कैसे वेरिएबल्स आउट ऑफ स्कोप होते हैं, जिसके बाद उन्हें एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है, उसके बाद उन्हें एक्सेस नहीं किया जा सकता। जब तक वो स्कोप में रहते हैं तब तक आप उन्हें इजीली एक्सेस कर पाते हैं अपने कोड में, और जैसे ही वो आउट ऑफ स्कोप जाते हैं तो आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए अपना फेवरेट क्वेश्चन, जो मैं इंटरव्यूज में जनरली पूछता हूं और स्टूडेंट से वाइवा में जनरली पूछता हूं, वो है फॉर लूप और व्हाइल लूप। यस, फॉर लूप व्हाइल लूप, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करोगे, चाहे आप सी की बात करें, चाहे हम C++, जावा, पाइथन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप उठा लीजिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लूप्स जो हम यूज करते हैं। एक हमारा फॉर लूप है और एक हमारा व्हाइल लूप है। अब मेरा जो क्वेश्चन रहता है, जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, वही क्वेश्चन मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूं और जितने भी इंटरव्यूज हैं उनसे भी पूछता हूं। आप मुझे कोई भी एक टास्क बताइए जिसमें जो मैं फॉर लूप से अचीव कर सकता हूं पर व्हाइल लूप से अचीव नहीं कर सकता। जब भी मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ता हूं ना, तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, यार कि फॉर लूप से जो काम कर सकते हैं व्हाइल लूप से कर सकते हैं या नहीं। और अगर आपका आंसर है हाँ, कि फॉर लूप से जो भी काम किया जा सकता है वो व्हाइल लूप से भी किया जा सकता है, तो अब क्वेश्चन ये है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो टाइप्स के लूप्स क्यों होते हैं? एक ही सिंगल लूप हमें क्यों नहीं दिया जाता जिसकी हेल्प से हम सारे काम कर सके? व्हाई एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज गिविंग मी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स? अगेन द क्वेश्चन इज, इफ एवरीथिंग दैट कैन बी डन विद फॉर लूप कैन बी अचीव्ड विद व्हाइल लूप, देन व्हाई डू वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? मैं मान सकता हूं, चलो सी में ये हो सकता है गलती से हो गया होगा, जावा में भी सब कॉपी कर दिया होगा, लेकिन पाइथन जब बनाया गया उसमें भी दो टाइप के लूप रखे गए। तो अब क्वेश्चन ये है कि दो डिफरेंट टाइप्स के लूप्स हमारे पास क्यों हैं, और क्या जरूरी है दोनों टाइप्स के लूप होना? क्या हमारे पास एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है जिसमें एक ही टाइप का लूप हम बनाएं और उससे सारे काम हो जाएं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढेंगे इस वीडियो में। चलिए, तो सबसे पहले अपनी क्यूरोसिटी, अपने इस क्वेश्चन को लेकर के मैं चलता हूं चैट जीपीटी के पास और उससे पूछते हैं कि उसके पास क्या आंसर है। तो दिस इज माय चैट जीपीटी स्क्रीन और अपने क्वेश्चन को हम यहां से पूछने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं यहां पर। Let us see what result do we get. So it says in programming, a loop is a control structure that allows a set of instructions to be repeatedly executed until a specific condition is met. Two most common types of loops are for loop, while loop. ठीक है, a for loop is used when you know the number of times you want to execute a set of statements. ठीक, मेरे को पता है कि जब भी मेरे को ये clarity है कि कितने times मेरे को किसी task को repeat करना है। जैसे मेरे को कोई टेबल अगर प्रिंट करना है तो मेरे को लगा 10 टाइम्स मेरे को टेबल प्रिंट करना है। ठीक, तो आई नो कि मैं फॉर लूप वहां पर यूज करने वाला हूं। और व्हाइल लूप अगेन द सेम थिंग, अगर आप देखोगे, ऑन द अदर एंड व्हाइल लूप इज यूज्ड व्हेन यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो यही आंसर एक्चुअल में मेरे को मिलता है जब मैं अपने स्टूडेंट से इस क्वेश्चन को पूछता हूं, तो सेम आंसर मेरे को मिलता है, यही आंसर जो चैट जीपीटी ने दिया, कि फॉर लूप हम तब यूज करने वाले हैं जब हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पता है कितनी बार रिपीट करना है, राइट? लेकिन अगर मेरे को नहीं पता है कितनी बार रिपीटेशन करना है तो मैं जनरली व्हाइल लूप यूज करता हूं। तो अगर मैं इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से बोलूं, ग्रामेटिकली भी बोलूं, तो फॉर दिस मेनी टाइम्स रिपीट दिस टास्क, राइट? एंड व्हाइल को अगर हम बोले तो कीप ऑन रिपीटिंग दिस थिंग व्हाइल दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, राइट? तो दिस मेक्स सेंस, बट स्टिल इट डज नॉट आंसर मी, मेरी जो क्वेरी है कि क्या फॉर लूप के सारे काम व्हाइल लूप से किए जा सकते हैं या व्हाइल लूप के सारे काम फॉर लूप से किए जा सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन ये पूछता हूं चैट जीपीटी से, कैन एवरीथिंग दैट कैन बी डन
with while loop can also be achieved with for loop. Let's wait for the answer. So see, the answer is everything. Yes, everything that can be achieved with a while loop can also be achieved with a for loop. So see, we have the answer and it says yes. Everything that can be achieved with a while loop can also be achieved with a for loop. And it has given me one example where this while is converted into this for. ठीक है, चलिए मैं एक और तरीके से इस क्वेश्चन को पूछने की कोशिश करता हूं कि क्या हर एक फॉर लूप को वाइल लूप में कन्वर्ट किया जा सकता है. राइट, तो लेट मी स्टॉप दिस एंड लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन वंस अगेन. कैन एवरी फॉर लूप बी कन्वर्टेड इनटू वाइल लूप इन सी? So it again says yes, every for loop can be converted to a while loop in C programming language. So if for loop agar meko given hai, this loop can be easily converted into while loop. So again the answer is same, ki for loop har while loop mein convert kiya ja sakta hai. Now my question is, why do we have two different kinds of loops then? Why these programming languages does not provide us a single loop which can be achieved, which can be used to achieve any of these tasks? जब एक लूप से जो काम हो सकता है वो दूसरे से भी हो सकता है, तो why do we have two different kinds of loops? Again, चलिए इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी पूछता हूं चैट जीपीटी से फिर से. लास्ट अटेम्प्ट और उसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे कि दोनों जो है वो एक ही काम कर सकते हैं. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन इज देयर any task that can be done with for loop cannot be done with while loop in C? So the answer is no, there is no task that can be done with for loop cannot be achieved with while loop. So ab ye mere ko to फिक्स हो गया, ये मेरे को श्योर हो गया कि जो मैं फॉर से काम कर सकता हूं वो वाइल से कर सकता हूं, जो मैं वाइल से कर सकता हूं वो मैं फॉर से कर सकता हूं. राइट, अगेन नाउ आई एम बैक टू द सेम क्वेश्चन, व्हाई दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर प्रोवाइडिंग मी टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लूप्स. जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो वी आर स्टक, एक ही आंसर मेरे को मिलता है सब लोगों से, चाहे मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूं, चाहे मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूं, चाहे मैं इंटरव्यू से पूछता हूं, सेम आंसर. For loop is used when we know the number of iterations, and while loop is used when we don't know the number of iterations. But when everything can be done with any types of loop, then why do we have two different kinds of loops? Question is the same. तो आप कहीं से भी पूछोगे तो आंसर आपको सेम मिलने वाला है. लेकिन मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में फॉर लूप की जरूरत है और वाइल लूप की भी जरूरत है, और दोनों मेक सेंस. एंड व्हाई इज इट लाइक दैट कि फॉर लूप वाइल लूप की तरह काम कर सकता है आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन फॉर लूप वाइल लूप की तरह काम नहीं कर सकता है पाइथन की अगर मैं बात करूं. तो आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे, पहले देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप किस तरीके से काम करता है और वाइल लूप में मैं इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूं. तो ये हमारा आईडी है जो आप एक्सेस कर सकते हो ऑनलाइन कंपाइलर w3grads.com/ide पर जाकर के. और यहां पर आप देखो हमने सी लैंग्वेज चुना हुआ है, सी लैंग्वेज सिलेक्ट किया मैंने और यहां पर मैं सी का कोड लिखता हूं. तो सबसे पहले एक वाइल लूप लिखना चाहता हूं, तो मैंने लिखा एक इंटीजर वेरिएबल इंटीजर i इक्वल्स टू 0, ये मेरा काउंटर वेरिएबल है. और मैं वाइल लूप यहां स्टार्ट करता हूं व्हाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू 10. राइट, एंड आई वांट टू प्रिंट समथिंग, तो मैंने प्रिंट एफ लगाया यहां पर.
printf परसेंट डी, और यहां पर मैं आई की वैल्यू सपोज प्रिंट करना चाहता हूं। अब क्योंकि मैं वाइल लूप में हूं तो मुझे आई प्लस प्लस करना पड़ेगा सो दैट आई कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई एवरी टाइम दिस वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड। आउटपुट देखते हैं। सो सी आउटपुट इज जीरो, मैं यहां पर स्लैश एन लगा देता हूं जिससे कि नेक्स्ट लाइन में आउटपुट मिले और हम आउटपुट क्लियरली देख पाए। तो आउटपुट देखोगे 0 to 10 वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो चुकी है यहां पर। आई होप यू कैन सी दिस। तो अब ये वाइल लूप जो है ना, इस वाइल लूप की खासियत है वो देखो, मैंने एक वेरिएबल लिया है इंडेक्स वेरिएबल जिसकी हेल्प से मैं लूप चला रहा हूं और इस वेरिएबल को मैं यहां पर अपडेट करता हूं। अगर इस वेरिएबल को मैं यहां पर अपडेट नहीं करूं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दिस लूप विल रन इनफाइनाइट, बिकॉज अगर मैंने आई की वैल्यू जीरो है तो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू, जीरो इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड दिस लूप विल कीप ऑन रनिंग इनफाइनाइटली। सो आई नीड टू अपडेट दिस इंडेक्स वेरिएबल इन साइड द बॉडी ऑफ वाइल लूप वाइल राइटिंग एनी वाइल लूप। तो आप ये याद रखिएगा, जो भी कंडीशन, जिस भी वेरिएबल के ऊपर आप कंडीशन लगा रहे हो, वो वेरिएबल वाइल की बॉडी के अंदर अपडेट होना चाहिए। अगर आप उसको अपडेट नहीं करोगे तो व्हाट विल हैपन, दिस कैन लीड टू इनफाइनाइट लूप। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा कि जो भी इंडेक्स वेरिएबल या जिस भी वेरिएबल की हेल्प से आप कंडीशन मैच कर रहे हो, ठीक है, जो वेरिएबल आप कंडीशन में यूज कर रहे हो, उस वेरिएबल को वाइल की बॉडी के अंदर अपडेट करना जरूरी है, राइट? अब मैं एक दूसरा लूप लिखता हूं, फॉर लूप, मैं यहां नीचे ही लिख देता हूं और इसको मैं कमेंट कर देता हूं अभी के लिए, इस वाले कोड को, ठीक है। अब मैंने लिखा फॉर लूप, फॉर में ये चीज हम कैसे अचीव करते हैं वो देखते हैं एक बार। तो मैं यहां डिफाइन करता हूं इंटीजर आई इक्वल्स टू जीरो, सेम थिंग, राइट, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड आई प्लस प्लस। अब अगर आप फॉर लूप देखोगे तो फॉर लूप में तीनों चीज हुई। देखो यहां पर हमने क्या किया, पहले इनिशियलाइज किया था इंडेक्स वेरिएबल को, वो हमने यहां पर किया है, देन वी चेक द कंडीशन, वो कंडीशन हमने यहां पर चेक किया है, सेकंड थिंग, देन वी इंक्रीमेंटेड द इंडेक्स वेरिएबल इनसाइड द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप, वो हमने यहां पर फॉर में किया है, ठीक है। अब मैं यहां पर कुछ प्रिंट करता हूं, अगर इनसाइड द बॉडी ऑफ फॉर, तो प्रिंट एफ परसेंट डी और स्लैश एन लगा देता हूं मैं नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए और आई की वैल्यू को यहां प्रिंट करता हूं। तो अगर आप फॉर और वाइल में चीज देखोगे तो देखो, सबसे पहली चीज यहां पर इंडेक्स जो इनिशियलाइजेशन हुआ है वो पहले हुआ है, उसके बाद कंडीशन चेक हुआ है वो भी हुआ है, और जो इंडेक्स वेरिएबल का अपडेशन था वो हमने यहां पर वाइल के अंदर किया था, यहां पर हम फॉर के साथ कर रहे हैं। ऑल्दो एग्जीक्यूट वो तभी होता है जैसे आप यहां पर वाइल में लास्ट में एग्जीक्यूट करते हो, ऐसे यहां पर भी एग्जीक्यूट करते हो, ये एग्जीक्यूट फॉर की बॉडी के बाद ही होने वाला है, बट हमने जो डिफाइन किया है वो कहां पे किया हुआ है, फॉर के साथ किया हुआ है। तो अब देखिए, मैं इसको फिर से रन करता हूं प्रोग्राम को और इसका आउटपुट चेक करते हैं, क्या आउटपुट में कोई डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अब देखो कि आउटपुट बिल्कुल सेम है, राइट। नाउ द सेकंड थिंग दैट इज टू बी अंडरस्टैंड इज, मैं इस इंडेक्स को यहां से हटा करके, इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को यहां से हटा करके, मैं फॉर की बॉडी के अंदर भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं रन करता हूं, अब देखिएगा प्रोग्राम का आउटपुट इज गोइंग टू बी सेम, इट इज अगेन गोइंग टू बी 0 to 10, राइट। तो जो चीज यहां पर हुआ, देखिए वाइल में, अब मैं इसको उठा करके यहां से बाहर लग देता हूं, तो ये फॉर लूप और ये वाइल लूप आप देखोगे इंटीजर आई इक्वल्स टू जीरो यहां पर बाहर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। वाइल में कंडीशन चेक हुआ है, तो फॉर में हमने सिर्फ कंडीशन चेक किया हुआ है और इंक्रीमेंट भी हमने बॉडी के अंदर किया हुआ है। रन करता हूं एक बार, आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बार, आउटपुट पे कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला, आउटपुट अभी भी सेम है। तो देखिए, इस वाइल लूप को हमने फॉर लूप में इजीली कन्वर्ट कर लिया
एंड टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी डिड इज हम ये इनिशियलाइजेशन बाहर निकाल सकते हैं और जो हम इंडेक्स वेरिएबल को अपडेट कर रहे थे, काउंटर वेरिएबल को अपडेट कर रहे थे, वो हम इसके अंदर भी कर सकते हैं, बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं इसको। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिस इज गोइंग टू हैपन। अब यहां पर देखिए, अगर मैं आई प्लस प्लस की जगह आई इक्वल्स टू आई प्लस टू कर देता, राइट, अब रन करता हूं, तो ये लूप देखिए कितनी बार चल रहा है, 5 बार चल रहा है, मतलब 6 बार चल रहा है, 0 से लेके 10 के लिए, राइट, क्योंकि मैंने इंडेक्स वेरिएबल को 2 से अपडेट किया, तो पहले आई के लिए 0 हो रही है, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, और तब तक ये लूप हमारा चल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने देखा कि व्हाइल लूप को फॉर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहां पर अभी नोट करने वाली है वो है कि जो आप वेरिएबल अपडेट करते हो जिससे लूप चल रहा है, जो काउंटर वेरिएबल या इंडेक्स वेरिएबल जिसकी हेल्प से आप लूप चला रहे हो, उसको जो अपडेट आप कर रहे हो वो बॉडी के अंदर किया जा सकता है। ये पॉइंट क्लियर है। अब मैं यहां पर देखिए पाइथन लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूं, पाइथन 3.8, ठीक है। पाइथन सिलेक्ट करने पर ओके, लेट मी राइट द कोड ओवर हियर। तो वही सिंपल करते हैं, एक हमने वेरिएबल लिया आई इक्वल्स टू 0, राइट, और हमने लिखा व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, हमने यहां पर लिखा, हमने प्रिंट किया प्रिंट आई, और क्योंकि मेरे को इसको अपडेट करना पड़ेगा तो यहां पर लिखना पड़ेगा आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, आई प्लस प्लस यहां पर नहीं चलता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है, तो आई को 1 से बढ़ाने के लिए मैंने आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 लिखा है। अब मैं इसको रन करता हूं तो आप आउटपुट देखिएगा, आउटपुट इज गोइंग टू बी सेम। तो जैसा जो हमने सी प्रोग्रामिंग में किया था, हमने जैसे सी में लिखा था व्हाइल लूप, वही लूप हमने यहां पर लिखा है, बस वेरिएबल डिक्लेरेशन क्योंकि वो लैंग्वेज के डिफरेंसेस हैं तो वो डिफरेंसेस यहां पर है, बाकी व्हाइल का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। अब देखिए मैं इस कोड को कमेंट करता हूं, मैंने यहां पर कमेंट किया, अब मैं एक फॉर लूप लिखता हूं, फॉर, ठीक, आई इन रेंज, तो यहां पर लिखा जाता है इस तरीके से 0, 11, तो जब मेरे को आई के वैल्यू 0, इनिशियल वैल्यू 0 और लास्ट वैल्यू 10 तक चाहिए, तो मैंने 11 लिखा यहां पर, ठीक है, और प्रिंट करता हूं आई की वैल्यू को, रन करता हूं, आउटपुट देखिएगा, आउटपुट इज स्टिल द सेम, 0 to 10 सारी वैल्यूज प्रिंट हो चुकी है। तो ये जो फॉर व्हाइल लूप है, ये फॉर लूप यहां पे बन चुका है। अब मैं क्या चाहता हूं, जो मैं इंक्रीमेंट यहां पे कर रहा था, अब यहां पर ना कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपका नहीं है, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इस आई की वैल्यू को जैसे हमने सी में किया था, इस आई की वैल्यू को मैं यहां पर चेंज करना चाहता हूं अंदर, तो मैं लिख देता हूं यहां पर आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, मैं आई की वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट करना चाहता हूं, ठीक है, 1 से 2 इंक्रीमेंट हो ही रही है अपने आप, मैं आई की वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट करना चाहता हूं, और मैं आई की वैल्यू को प्रिंट भी करता हूं इंक्रीमेंट करने के बाद, तो मैंने यहां पर एक मैसेज दे दिया बिफोर अपडेशन आई की वैल्यू क्या थी और आफ्टर अपडेशन आई की वैल्यू क्या थी, वो मैं यहां पर दे देता हूं, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, देखिए तो ये लूप, देखिए लूप चला उतनी ही बार है जितनी बार चलना था, ये अभी भी लूप 10 टाइम्स चला है। बिफोर अपडेशन आई की वैल्यू 0 थी, आई की वैल्यू अपडेट हुआ 2, आई की वैल्यू उसने 0 से 2 कर दिया, लेकिन नेक्स्ट इटरेशन में देखिए, नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू फिर से बिफोर अपडेशन क्या हो गया, 1 हो गया, राइट। तो अगर आप लूप देखोगे, जैसे आई की वैल्यू को मैंने यहां से मैं हटाता हूं इसको, अभी इनको मैं कमेंट करता हूं, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है तो लेट मी कमेंट दिस,
हम सिर्फ आई की वैल्यू प्रिंट करते हैं और आई को दो से निकल, हम बस इतना चाहते हैं कि इस फॉर लूप में जब हम आई की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये टू से इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए थी। आई की वैल्यू पहले वन हो तो फिर दो से इंक्रीमेंट हो जाए, फिर दो से इंक्रीमेंट हो जाए, यही चीज हम अचीव करना चाहते हैं। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आई की वैल्यू जो हमने अपडेट किया यहां पर उसका कोई भी असर यहां पर नहीं पड़ रहा है, लूप उतनी ही टाइम चल रहा है जितनी बार ये फॉर लूप ने डिसाइड कर लिया है। सो यू कैन सी सी में जब हमने कोड किया था अभी थोड़ी देर पहले, राइट, उस कोड को अगर आप देखो तो जब आप आई की वैल्यू को बॉडी के अंदर अपडेट कर रहे थे तो वो अपडेट नंबर ऑफ इटरेशन पर रिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन यहां पर जब मैंने आई की वैल्यू को चेंज किया है वो मेरे नंबर ऑफ इटरेशन को अपडेट नहीं कर रहा है, राइट। अब मैं ना आपको एक चीज यहां पर दिखाता हूं, हम विजुलाइजेशन पे चलते हैं अपने, सेम कोड में यहां पर कॉपी करता हूं और देखते हैं कि ना ये कैसे चल रहा है पाइथन पर। ये कोड मैंने कॉपी किया, विजुलाइज करते हैं। देखिए आई की वैल्यू पहले जीरो है, राइट, प्रिंट किया उसने आई की वैल्यू और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। सेम आई वेरिएबल है, कोई नया आई वेरिएबल यहां पर नहीं बन रहा है। आप अगर सोच रहे हो कि नया आई वेरिएबल बन रहा है तो वो नहीं बन रहा है, लेकिन नेक्स्ट इटरेशन में जब गया तो आई की वैल्यू फिर से क्या हो जाती है, वन हो जाती है, बिकॉज इट इज स्पेसिफिक। तो जो भी हमने चेंज इस काउंटर वेरिएबल पे किया, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये आई वेरिएबल नया बन रहा है तो नया नहीं बन रहा है, सेम आई वेरिएबल है। भाई मैं आपको बता रहा था आई की वैल्यू टू ही थी यहां पर, अब देखिए आई की वैल्यू वन है, इसने प्रिंट किया और जो भी चेंज मैंने यहां बॉडी के अंदर किया है तो आई की वैल्यू को थ्री कर दिया इसने, लेकिन ये चेंज यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अगर आप देखोगे आई की वैल्यू फिर से क्या कर देता है, टू कर देता है। तो फॉर लूप ने जो डिसाइड किया हुआ है आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से टेन तक होनी चाहिए, 0 1 2 3 4। तो पहले इटरेशन में आई की वैल्यू जीरो होगी, दूसरे इटरेशन में आई की वैल्यू वन होगी, तीसरे इटरेशन में आई की वैल्यू टू होने वाली है। तो वॉट एवर चेंजेस यू आर मेकिंग टू दिस आई वेरिएबल और काउंटर वेरिएबल और इंडेक्स वेरिएबल इन साइड द बॉडी ऑफ लूप आर नॉट बींग रिफ्लेक्टेड ऑन दिस हेडर, ठीक है। लेकिन जब हम सी की बात कर रहे थे, सी में आते हैं वापस से, ठीक। तो सी का कोड अगर मैं देखूं यहां पर, सी के कोड पे चलते हैं, तो देखिए यहां से मैं कॉपी करता हूं इसको, ये कोड मैंने कॉपी किया, मैं यहां पर चलता हूं, ठीक है, और सेम कोड मैं आप लिख देता हूं, फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन इक्वल्स टू टेन, आई प्लस प्लस, और यहां मैंने किया प्रिंट एफ, प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, आई मैंने यहां पर प्रिंट किया, ठीक है। अब देखिए इसको हम देखते हैं विजुलाइज करके एक बार, ये कैसे चलता है। तो यहां पर सी में अगर हम देखें तो मैंने लिखा यहां पर फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन इक्वल्स टू टेन एंड आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश एन आई, रन करते हैं इसको। तो देखिए ये हमारा सी कोड है, राइट, और यहां पर अगर आप देखोगे जब हम सी में बात कर रहे थे तो सी में जो ये इंडेक्स वेरिएबल था हमारा, जो फॉर के हेडर में हमने ये इंडेक्स वेरिएबल जिसको हम अपडेट कर रहे हैं, इसको हम
बॉडी के अंदर जब मैं कुछ चेंज करता हूं, आई इक्वल्स टू आई प्लस टू, अगर मैं यहां लिखता हूं ऐसी, तो जब मैंने आई इक्वल्स टू आई प्लस टू बॉडी के अंदर किया है तो ये चेंजेस फॉर लूप के इटरेशंस को भी इंपैक्ट कर रहे हैं। अभी हमने पाइथन में देखा था, पाइथन में अगर मैं बॉडी के अंदर ये चेंजेस करता हूं, इस इंडेक्स वेरिएबल को अपडेट करता हूं, तो वो जो है मेरा रिफ्लेक्ट नहीं होता, किसमें नंबर ऑफ इटरेशंस को इंपैक्ट नहीं करता है। लेकिन सी में अगर हम देख रहे हैं तो अगर आप इस इंडेक्स वेरिएबल को या काउंटर वेरिएबल को अपडेट करते हो बॉडी के अंदर, तो ये फॉर लूप के जो है नंबर ऑफ इटरेशंस को इंपैक्ट करता है। और यही डिफरेंस है, क्योंकि आप अब आप समझेगा इस चीज को, देखिए व्हाइल लूप में बहुत मैंडेटरी है मेरे लिए कि मैं इस कंडीशन को यहां पर अपडेट कर पाऊं, जिस कंडीशन पर मैं चेक कर रहा हूं, जिस वेरिएबल पर मैं चेक लगा रहा हूं, उस कंडीशन को मैं व्हाइल के अंदर अपडेट कर पाऊं, तभी ये व्हाइल लूप टर्मिनेट हो पाएगा। लेकिन सी या जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी आपको अलाउ करती है कि आप उन वेरिएबल्स को प्रोग्रामिंग, मतलब उस सेम वेरिएबल को जो आप यहां कंडीशन में यूज कर रहे हो उसको बॉडी के अंदर फॉर में भी अपडेट कर सकते हो। और यही रीजन है कि हर एक फॉर लूप हर वाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में था कि क्या हर फॉर को हर वाइल में कन्वर्ट किया सकता है, यस, एंड द रीजन फॉर दैट इज कि हम जो ये इंडेक्स वेरिएबल को बॉडी के अंदर अपडेट करते हैं, फॉर के अंदर भी और वाइल के अंदर भी, वाइल के अंदर जरूरी है, फॉर के अंदर हमें नहीं चाहिए था, लेकिन फॉर के अंदर भी अलाउ करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इसीलिए ये फॉर लूप बिल्कुल वाइल लूप की तरह काम करता है। लेट मी गो टू दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर से मैं आपको दिखाता हूं। पाइथन में अगर हम बात करें तो पाइथन में जब आप वाइल लूप लगाते हो, जैसे मैंने लिखा यहां पर इंटीजर, सॉरी नो इंटीजर, आई इक्वल्स टू जीरो व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू टेन, प्रिंट आई एंड आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। तो पाइथन में व्हाइल लूप के अंदर जरूरी है हम इस आई वेरिएबल को अपडेट करें और पाइथन अलाउज इट, लेकिन जब आप फॉर लूप लगाते हो फॉर आई इन रेंज सपोज 0,11 और प्रिंट करते हो आई की वैल्यू, और यहां पर जब आप आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई मतलब अपडेट करने की कोशिश करते हो, तो पाइथन डज नॉट अलाउ यू टू अपडेट दिस थिंग, दिस काउंटर वेरिएबल, एंड और पाइथन अलाउज यू बट इट डज नॉट इंपैक्ट द अपडेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल इनसाइड द लूप और इन द बॉडी ऑफ लूप डज नॉट इंपैक्ट द नंबर ऑफ इटरेशंस। एंड दिस इज हाउ पाइथन फॉर लूप मेक्स मोर सेंस, बिकॉज इट इज ऑलवेज गोइंग टू एग्जीक्यूट द फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस, वेयर एज सी फॉर लूप, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप के नंबर ऑफ इटरेशंस को चेंज कर सकते हो उसकी बॉडी में काउंटर वेरिएबल को अपडेट करके। आपको समझ में आ गया होगा अब जो डेफिनेशन फॉर लूप की थी आपकी, कि फॉर लूप इज ऑलवेज यूज्ड फॉर फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस, तो पाइथन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इस डेफिनेशन को जस्टिफाई करता है। पाइथन में फॉर लूप अगर आपने 10 टाइम्स के लिए डिफाइन किया तो 10 टाइम्स ही चलेगा, क्योंकि आप उसको उसके काउंटर वेरिएबल को बॉडी में जाके अपडेट नहीं कर सकते, तो उसका नंबर ऑफ इटरेशंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी फिक्स्ड, जबकि सी में ये मैनिपुलेट किया जा सकता है, राइट? तो इसीलिए पाइथन में आपका फॉर लूप फॉर की तरह काम करता है और वाइल वाइल की तरह काम करता है, जो आपकी डेफिनेशंस हैं वो उसके अकॉर्डिंगली चलता है। लेकिन सी में और जावा में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इस चीज को चेंज कर सकते हो, आप फॉर को वाइल की तरह काम करा सकते हो, वाइल को फॉर की तरह काम करा सकते हो। एंड द स्मॉल रीजन फॉर दैट इज द काउंटर वेरिएबल कैन बी अपडेटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप्स इन बोथ सी एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ आई एम क्वाइट श्योर कि आपके दिमाग में फॉर लूप वाइल लूप से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। हमने देखा, देखिए हमने चैट जीपीटी से पूछा, उसके आंसर्स को हमने मैच किया, फिर हमने विजुअलाइजेशन के थ्रू देखा, और अब मेरे को लगता है कि फॉर लूप और वाइल लूप से रिलेटेड कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं लाता रहूंगा और इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा जिससे आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग हो जाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई आइडिया अगर आपके पास है तो कमेंट में जरूर डालिएगा, और ऐसे वीडियोस आप मिस ना करें इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।